हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंपैक्ट स्पोर्ट्स द वर्ल्ड ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अ पार्ट ऑफ ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड्स थैंक यू सो मच अगेन फॉर द वैल्यूएबल रिस्पांस जो भी हम लोग सवाल जवाब आपके रहते हैं कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कुछ डाउट्स रहते हैं वो आप यूट्यूब चैनल के थ्रू पूछ रहे हैं तो आज का हमारा जो सवाल पूछा है वो है धीरज गिलानी जी ने वो पूछते हैं सर हाउ टू सर्च अबाउट ग्राउंड नट्स इफ यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट और राघव राठी जी पूछते हैं सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड द सेम वीडियो फॉर ग्राउंड नट्स जो कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे पूरा एक डिटेल एनालिसिस मुझे करना रहता है कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर तो उसी तरह से मैंने आज आपके सामने एक पूरा डिटेल एनालिसिस ग्राउंड नट के ऊपर करा है तो विदाउट अ फदर अडू हम लोग वो ग्राउंड नट्स का जो एनालिसिस है वो हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं तो मैं ये वीडियो के अंदर आपको क्या क्या शेयर करने वाला हूँ सबसे पहले वट इज ऑफ ग्राउंड नट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एज पर दस कोड एक्सपोर्ट डन इन टू थाउजेंड एटीन एंड नाइनटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी इन द लॉ लैक्स और करोड टॉप टेन इंपोर्टिंग कंट्रीज पर के जी का रेट क्या है स्पेसिफिक कंट्री में अगर आप कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं यहां से आपको टॉप टेन इम्पोर्ट जो करती है इंडिया से वो कंट्रीज के नाम शेयर करना चाहूंगा प्लस एम ई आई एस बेनिफिट कितना मिलता है प्लस कौन कौन से पोर्ट से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है तो फ्रेंड्स ये आपके सामने पूरा डिटेल एनालिसिस है अब ग्राउंड नो एच एस कोड आते हैं जो के है वन टू जीरो टू फोर टू वन जीरो जो के है हैल्स हैंड पिक्ड एंड सिलेक्टेड मतलब जो दाने होते हैं ग्राउंड नट्स के उसको कर्नेल्स बोलते हैं तो वो दाने का एच कोड ये है प्लस जो ग्राउंड नट रिजर्व जो हम लोग बहुत समय तक रख के रख सकते हैं और उसका, है और उसका है है अलग है जिसका मतलब ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी नाइनटीन के अंदर इनका लैक्स मतलब थ्री लैख थर्टीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी सिक्स लैक्स रुपीज का एक्सपोर्ट हुआ है एटीन नाइनटीन में और वो ऑलरेडी बढ़ के फोर लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवन लैक्स रुपीज का एक्सपोर्ट हुआ है अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं करोड़ के अंदर तो हमने ऑलरेडी टू थाउजेंड एंड वन हंड्रेड एंड थर्टी नाइन पॉइंट फिफ्टी सिक्स करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं प्लस अभी तक मतलब फेब्रुवरी तक हमने जो पिछले साल एक्सपोर्ट करा था वो फेब्रुवरी तक हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है जो कि है फोर फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन सेवन करोड़ तो फ्रेंड्स ऑलरेडी इसकी डिमांड बढ़ रही है इंडिया से तो आप इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं दूसरी चीज यहां पे अगर मैंने चेक करा है तो सेम प्रिजर्व वाला भी ऑलरेडी इसकी डिमांड बढ़ी है पर कंपेरिटिवली अगर आप देखने जाएंगे तो कर्नेल्स की डिमांड जो है वो ज्यादा है क्योंकि यहां पे आप वैल्यू देखिए फ्रेंड्स कितना वैल्यूज में एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ पे 426 करोड़ का एक्सपोर्ट है जिसके सामने 4427 करोड़ का एक्सपोर्ट मतलब 4000 करोड़ का एक्सपोर्ट ज्यादा है वहाँ पे। तो आप अगर वर्कआउट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं जिसके सामने इंपोर्टिंग कंट्रीज इंडोनेशिया वियतनाम फिलीपींस मलेशिया चाइना थाईलैंड रशिया यूक्रेन यूएई और ईरान अब मैंने यहां पे बहुत सी कंट्रीज के सामने उनकी वैल्यूज लिखी है जैसे टोटल हमने जो एक्सपोर्ट करा है अभी तक 2019 से 2020 फरवरी तक जो के है 4427 करोड़ का जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया को हमने एक्सपोर्ट करा है 1409 करोड़ का मतलब ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का हमने सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करा है क्या कर्नेल्स जो दाने होते हैं ग्राउंड नट्स वियतनाम को हमने 980 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है फिलीपींस को 351 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है मलेशिया को 260 करोड़ चाइना 231 करोड़ एंड सो ऑन मैंने यहां पे बोल्ड करा है बोल्ड करा है मींस के जो इंडोनेशिया है वियतनाम है जो भी कंट्रीज यहाँ पे आपको बोल्ड में दिख रही है पिछले साल के मुकाबले ये साल उन, उनका जो इंपोर्ट करने का रेशियो है वो इंडिया से बड़ा है फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने ये चीजें बोल्ड करी है कि कौन सी कंट्रीज में इंपोर्ट जो है इंडिया से मतलब वहां की कंट्री का इंपोर्ट और इंडिया का एक्सपोर्ट ये पर्टिकुलर कंट्रीज में बड़ा है कंपेरिटिवली टू प्रीवियस ईयर ठीक है अगर हम बात करते हैं रेट की तो इंडोनेशिया को हमने 1409 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है जिसके सामने पर केजी का जो रेट है वो है सेवनटी सेवन रुपीज पर केजी ये एवरेज रेट में आपको बताता हूं इससे ज्यादा भी हो सकता है इससे थोड़ा कम भी हो सकता है ठीक है बट ऐसा नहीं होगा कि इसका डबल हो जाएगा ठीक है तो ये एवरेज रेट मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं इंडोनेशिया सेवनटी वियतनाम 75, फिलीपींस 79, मलेशिया 81, चाइना 72, थाईलैंड 82, रशिया 74, यूक्रेन 80 रुपीस, यूएई 73 एंड ईरान 73 पर केजी एवरेज रेट है ये और ये जो रेट्स हैं ये इंडियन बॉर्डर तक के हैं मतलब एफओबी रेट्स हैं ठीक है एफओबी रेट्स हैं अब अगर मैं एम की बात करूं तो जो फर्स्ट है हमारा करने के अंदर जिसके अंदर हमारा कोई एम नहीं मिल रहा है फिलहाल में बट उसके दूसरा अगर आप देखेंगे नीचे तो 5% का एम जो है वो ग्राउंड नट रिजर्व के अंदर आपको मिल रहा है ठीक है अब आप बोलेंगे कि उसमें नहीं मिल रहा है इसमें क्यों मिल रहा है फ्रेंड्स अगर जो चीज सबसे ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करती है क्यों क्योंकि उनको पता है कि ये सबसे ज्यादा जो चीज है वो एक्सपोर्ट तो हो रही है बट जो चीजें हमारे यहां पे बनती है वो चीजें एक्सपोर्ट कम मात्रा में हो रही है और उनकी डिमांड ज्यादा है उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है राइट right? तो इसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं फाइव परसेंट का इंसेंटिव आपको इसमें मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से एमएस e. के तौर पे अब हम बात करते हैं पोर्ट के रिलेटेड तो सबसे ज्यादा मुंद्रा पोर्ट पिपावा पोर्ट चेन्नई सी आईसीडी टोंडियार पेट ये डिस्ट्रिक्ट आती है त्रिवल्लुर स्टेट तमिलनाडु के अंदर ये आईसीडी आती है जहां पे पर्टिकुलर अभी तक इंडिया में से ये पर्टिकुलर पोर्ट और आईसीडी से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है टर्म की बात करें तो आप प्रीफर्ड इनको टर्म जो है वो एफ और सीआईएफ ही प्रीफर करें ये मैं सजेस्ट करता हूं बाकी आपका डिसीजन है यू कैन टेक योर ओन डिसीजन ठीक है तो आज हमने जो बात करी है ये पर्टिकुलरली ग्राउंड नट्स के ऊपर बात करी है ऐसे ही वीडियोस में आप लोग के लिए लेते लेके आता रहूंगा पूरा डिटेल एनालिसिस करके जो भी आपके क्वेरी डाउट्स हैं आप कमेंट में बता सकते हैं प्लस आप हमारी ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड में डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे चैट बॉक्स का ऑप्शन है वो चैट बॉक्स के अंदर जाके आप अपनी क्वेरी डाउट्स जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं पर हम उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं या फिर हमारे अनदेखा हो जाता है ऐसा भी होता है या तो फिर वीडियोज बनाने में डीले हो जाते हैं तो वो अगर ना हो तो आप जीएफ एप्लीकेशन पे आके चैट करेंगे तो हम उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले सकते हैं क्यों क्योंकि हमारा जो काम होता है चैट के ऊपर वो 24 फोर आवर्स रोटेटिंग के ऊपर काम होता है ठीक है और मिडिल लेवल से लेकर बोल सकते हैं कि कि टॉप लेवल के के मैनेजमेंट ध्यान में रहता है कि कौन सी चैट आ रही है कौन सा क्या रिप्लाई जा रहा है वो सब उनको पता रहता है अगर आपके पास आईओ एप्लीकेशन है तो उसमें आप क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्लस ऑर्गेनाइजेशन कोड आएगा जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं जी एफ ई तब आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच फ्रेंड्स